हाँ तो फ्रेंड्स, इस तरीके की पेंटिंग बनाने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या चाहिए इसके लिए रॉ मटेरियल्स? आइसक्रीम स्टिक्स, एक पेपर, आप पेपर कोई सा भी हार्ड पेपर ले सकते हैं, आइदर आप कैलेंडर का पेपर ले सकते हैं, आप कोई पुराना शादी का कार्ड, थोड़ा सा हार्ड पेपर ले लेंगे आप, ठीक है। इसके साथ हमको फेविकॉल, सीजर्स एंड फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं लाइक पोस्टर कलर एंड ऑल। और आपको कुछ ब्रशेस चाहिए, ब्रशेस आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो बहुत सी टाइम अपने पुराने वेस्ट मेकअप ब्रशेस भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। एंड जो आपको ये ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल चाहिए, कुछ मार्कर्स आपके पास हों तो आप यूज़ कर लीजिए, वाइट मार्कर, ब्लैक मार्कर एंड इरेजर, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है और इस पेपर को आप जिस शेप, जिस डिज़ाइन का आपको पेंटिंग बनाना वैसा बना सकते हैं। मेरे को इस तरीके से लॉन्ग पेंटिंग बनानी है, आप अगर स्क्वायर करना चाहें तो एक स्क्वायर टुकड़ा जिस साइज़ का चाहिए आप उस साइज़ का पेपर कट कर लीजिए, ओके। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इतना लॉन्ग एक पेपर कट किया है, ठीक है। नाउ टेक अ फेविकॉल और आपको सिंपल स्टिक को, स्टिक के ऊपर इस तरीके से फेविकॉल अप्लाई करके और स्टिक को वन बाय वन पास पास एकदम ऐसे स्टिक करते जाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टिक, देन टेक द सेकेंड वन, बस सिंपल आपको इस तरीके से ग्लू के साथ इसको ऐड करते जाना। तो देखिए, अब इस तरीके से मैंने सारा स्टिक्स जो हैं वो पेपर पे चिपका दिया है इस तरीके से। अब जो भी, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग पेपर ले लिया है, आपको स्टिक्स छोटा बनाना है, जिस भी साइज़ का बनाना है, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पेपर है आप उस एक्स्ट्रा पेपर को इस तरीके से कट करना, ठीक है। सो अभी हमारा बेस रेडी है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे पेंट कैसे करना है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि हम बहुत अच्छे पेंटर नहीं हैं, तो डोंट वरी, मैं भी बहुत अच्छे पेंटर नहीं हूँ। हम एक बहुत बेसिक ईजी पेंटिंग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे के ऊपर एक बेस कलर लेंगे। बेस कलर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा सजेशन ये दे रही हूँ कि आप हल्का सा किसी ब्रश से, जो थोड़ा थिक ब्रश हो उससे हल्का सा इसको वेट कर लें, क्योंकि ये वुड से बनी हुई होती है तो ये इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करती है कलर को। उसके बाद आप कलर ले लीजिए, कलर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, या फिर आपने उसे वेट कर ही लिया है तो आप बस इस पर इस तरीके से इसको स्प्रेड करेंगे। वाटर विल हेल्प यू टू स्प्रेड द कलर। और बिल्कुल आराम से कलर करिए, एकदम से कहीं ज़्यादा कम नहीं करिए। बाद में अगर आपको डार्क करना है तो आप दोबारा उस पर ब्रशिंग कर दीजिएगा, बट पहले आप बिल्कुल लाइट शेड दें। और मैंने, क्योंकि आप बैकग्राउंड का कलर अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं, तो अभी बेस कोट रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा और शेड देना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि ऊपर हम थोड़ा सा डार्क ब्लू शेड ले लें इस तरीके से। बहुत कम कम कलर लेंगे तो अपने आप वो उसमें ब्लेंड हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कलर्स मत लीजिएगा, सिंपल आप इस तरीके से ब्लेंडिंग कर देंगे तो आपको डार्क और लाइट में अच्छा सा शेडिंग मिक्स होके मिलेगा। अब इसका बेस रेडी है, मैंने दो शेड्स दिए, आप चाहें अपनी चॉइस के उतने शेड्स इसमें दे सकते हैं, बट हमें इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम पेंसिल से कोई भी अपनी पसंद की पेंटिंग या ड्राइंग या फिर थॉट्स इस पर ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ड्राई होने के बाद मैंने एक बहुत ईजी आइडिया सोचा है जो आप लोग भी आसानी से बनाएंगे, कि हम एक सिंपल सा एक ट्री बनाएंगे और ट्री की जो लीव्स हैं ये क्यूटिप सबके घर में मिल जाएंगी, ईयरबड्स जिनको कहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इससे, इन दो चीज़ों से एक ट्री बनाएंगे जो आप लोगों के लिए भी बहुत ही ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं।
मैं ट्री का कलर ब्लैक ले रही हूँ। तो इसकी थिन ब्रांचेस बनानी है तो यू कैन यूज अ स्मॉल ब्रश। ब्रशेस के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि मैंने कुछ ब्रशेस फ्लैट ब्रश यूज करे हैं, कुछ राउंड ब्रश यूज करे हैं। जो बेस है आप इसको पूरे को ब्लैक कर लीजिए ताकि ट्री का बेस बहुत अच्छा बन जाएगा आपके। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कलर स्प्रेड नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज अ लिटिल बिट वाटर। सो अब कलरिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, मैं ईयरबड ली है, 3 ईयरबड्स को लेकर के इस तरीके से आप रबर बैंड लगा सकते हैं, लगाइए। मैं पिंक कलर ले रही हूँ। आई एम यूजिंग अ कलर ट्रे, अगर आपके पास कलर ट्रे नहीं है तो आप कोई कटोरी बाउल कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। हमने फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लावर्स इसमें बना दिए हैं पिंक कलर के। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई करने के बाद सेकेंड लेयर बनाएंगे। सेकेंड लेयर में यहाँ पर थोड़ा सा वाइट के साथ पिंक कलर मिक्स कर रही हूँ, दैट इज मतलब लाइट पिंक कलर का फ्लावर्स हम बनाएंगे। इस पर इन्हीं के ऊपर थोड़ा लाइट शेड में फ्लावर देंगे। अब थोड़ा सा और इसको लाइट शेड देने के लिए आप प्योर वाइट, जो मैंने इधर थोड़ा सा रखा हुआ है, प्योर वाइट से भी कुछ फ्लावर दे सकते हैं, थोड़े कम दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा और इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, तो जैसे ही हम बात करें कि थोड़े से कुछ फ्लावर तो नीचे भी तो गिरेंगे। बट कम रखिएगा आप लोग। कि अब ये इजी पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा और आप इसको फिनिशिंग दे सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक कलर का मार्कर है, अदरवाइज आप बहुत ही थिन वाला ब्रश यूज करके इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कुछ घास वगैरह बना दें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा एक इजी क्राफ्ट DIY पेंटिंग रेडी है, और आप चाहें तो इसे कहीं ऐसे रख सकते हैं, आप इसे कहीं हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डबल साइडेड टेप से इसमें पीछे से इसको किसी भी वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं।
और अब ये रेडी है पूरी तरीके से कहीं भी डेकोरेट होने के लिए। सो गाइस, हमारी पेंटिंग्स अब रेडी हैं। आप इस तरीके से बहुत सारे डिजाइन में वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स बना करके अपना घर, अपना स्टडी टेबल डेकोरेट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई पेंटिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आप कोई भी पेंटिंग्स बनाते हैं ऐसी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसका फोटो सेंड करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, कीप वॉचिंग।